jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली गर्ल फ्रेंड और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी कर चुके हैं। अब सिर्फ इस खबर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक इटली के टस्कनी के बोर्गो फिनोशेटो रिजॉर्ट में ये शादी हुई। विराट और अनुष्का की फैमिली ने इस पूरे इवेंट को काफी सीक्रेट रखा था। हालांकि मीडिया में पिछले कई दिनों से दोनों की शादी की खबरें सुर्खियों में थी। विराट और अनुष्का की शादी की खबरें उसी दिन शाम से आनी शुरू हो गई थी जिस दिन दिल्ली टेस्ट खत्म हुआ था। 6 दिसंबर को दिल्ली टेस्ट खत्म होने के बाद विराट ने खेल से ब्रेक लिया था। अगले ही दिन अनुष्का और उनकी फैमिली मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी। शादी की खबरों को और फोकस तब मिला जब अनुष्का के साथ एयरपोर्ट पर उनकी फैमिली पंडित भी दिखे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये शादी 9 से 12 दिसंबर के बीच है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि शादी 15 दिसंबर को होगी। विराट की शादी को लेकर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा था, आई एम कली एंड अनुष्का शर्मा आर मैरिड, ऑफिशियल अनाउंसमेंट एनी टाइम, बूम विराट वेड्स अनुष्का। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि विराट इंडिया आकर 26 दिसंबर को मुंबई में रिसेप्शन देंगे। इसके लिए 2 दिन के लिए होटल भी बुक कर लिया गया है। बता दें कि टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका टूर के लिए 27 दिसंबर को इंडिया से रवाना होना है। रिपोर्ट्स की माने तो टस्कनी के जिस रिजॉर्ट में अनुष्का और विराट की शादी हुई उसमें 22 रूम हैं और 44 लोग ही रह सकते हैं। मिलान शहर से इसकी दूरी करीब 300 किमी है। वहीं इटालियन स्टेशन सियना से यह महज 34 किमी दूर है। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक बोर्गो फिनोशेटो दुनिया की 20 सबसे महंगी हॉलीडे लोकेशंस में शामिल है। यहाँ एक हफ्ता बिताने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। यहाँ का रेंट एक रात के लिए 6.50 लाख रुपए से 14 लाख रुपए तक होता है।